अपडेट के बारे में बात कीजिए, मेलोडी गेमर के बारे में। तो मेलोडी गेमर के साथ जो है एक बहुत टाइम से इशू चल रहा है। उनके ही फैमिली मतलब कि मेलोडी गेमर के फादर के जो भाई है मतलब चाचा जी जो उनके हैं, वो क्या करते हैं कि उनका प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी उनके दो चाचा जी के पास जो है बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। मतलब जो मेलोडी गेमर के ग्रैंड फादर है उनका जितना भी प्रॉपर्टी था उसका ऑलमोस्ट 90% तो वो चाचा जी के पास है, मतलब दो चाचा जी के पास। बट वो फिर भी वो 10% जितना भी है मतलब थोड़ा बहुत वो भी वो हड़पना चाहते हैं। इसके लिए वो जो है बहुत ज्यादा धमकाते रहते हैं। आज तो क्या हो गया कि एक गलती सीन हो गया, वो लोग जो है मेलोडी गेमर के घर में 5-6 लोग लेके आए, मारपीट करने लगे उनके साथ एंड उनके फैमिली के साथ। बहुत ज्यादा बुरी तरीके से वो लोग ट्रीट किए, वो कुछ स्टोरीज भी पोस्ट किए, लेकिन यहाँ पर उनके दोस्त एक वीडियो अपलोड किए उनके चैनल पर, मतलब कि मेलोडी गेमर के दोस्त जिनका नाम है किटकैट नूब करके। पहले मैं आपको उनके वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा पूरा मैटर क्या है, फिर उसके बाद मैं उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज भी दिखा दूंगा। पूरा वाला दादाजी का हिस्सा जो मिला है फैमिलीज को, तो उसमें से एक हिस्सा है मेलो का, एक हिस्सा है उसके चाचा का, एक हिस्सा है उसके चाचा का। तो ये दो चाचा के अगर 99% हड़प लिए, 1% में मेलो रह रहा है अभी वो वाला घर, तो उनको वो भी नहीं देना, उनको वो भी नहीं देना। तो क्या करा मेलो ने, मतलब चाचा जी वो दादाजी के डेथ के टाइम पे कुछ डिसाइड हुआ था कि हम इधर ही रहेंगे, बाकी का तुम ले लो, कोई सीन नहीं है। तो उधर उन्होंने अभी अभी कमा रहा है मेलो, अच्छा सब कुछ चल रहा है, अच्छा यूट्यूब चल रहा है, अच्छा। तो उसने उधर घर बनाया, बहुत प्यारा घर बनाया था और वो हमारे लिए ही था। तो ये आए 3 महीने पहले, घर तोड़ दिए दादा। मैं वो रो रहा था, दो तीन घंटे बात हुई हमारी, वो रो रहा था कंटिन्यू, ऐसे ही लोग है भाई इधर, इधर वेस्ट बंगाल में रहना ही नहीं है मुझे। पुलिस के पास गए, पुलिस ने टाइम पास कर लिया, दोनों पार्टी को, इसको थोड़ा समझाएंगे, उसको थोड़ा समझाएंगे, जाओ घर पे। देखो गाइस, हम लोगों को फोकट में मारा यहाँ पे, और पता है हम लोगों को फोकट में मारा, उसके बाद खुद ही यहाँ पे मत्ता फोड़ा, ठीक है, उसके बाद पुलिस स्टेशन चला गया खुद ही हम लोगों को फंसाने के लिए। मेरे मम्मी को भी मारा है, ठीक है, मेरे मम्मी को, मेरी बहन को मारा भाई, बहुत एक साथ मिलके आया, सब लोग उनके साथ में थे, ठीक है, हम लोगों को आके सारे मेरे को बहुत मारा यार। मैं एक बंदे, तीन बंदे मिलके मेरे को मार रहे थे, एक होता तो मैं पेल देता, लेकिन भाई तीन लोग मिलके मार रहे थे मेरे को। फोकट में ना खुद ही मत्ता फोड़ा, ठीक है, एक आया उनमें से, एक आया हम लोगों को फंसाने के लिए भाई, कम से कम 6 महीने से हम लोगों को तकलीफ दे रहा है, ठीक है, 6 महीने से, ठीक है भाई, पुलिस आ रहे भाई, हम लोगों का दोस्त दे रहा है, ठीक है, क्या बोलूँ मैं भाई, कुछ क्या बोलूँ। गाइस यहाँ पे देखो, ये मेरे मम्मी का हाथ देखो, ठीक है, और पापा के कपड़े फाड़ दिया, मेरे को इतना मारा, ठीक है, मेरी बहन को भाई इतना मारा, ये देखो मत्था मत्थे में मारा, मेरे को मत्थे में मारा, मैं हट गया नहीं तो मेरा मत्था फूट गया था, इसके नाक में मारा भाई, कोई कुछ नहीं कर रहा भाई। और गाइस पता है तुमको, मेरी बहन को, मतलब मेरी बहन तो जा रहा था, एक लड़कियों के बहन को क्यों मारेगा, है ना, हमको मार रहे, बहन को मारा मेरे। उसके बाद पता है जो पार्टी के यहाँ पे लड़के हैं ना भाई, वो लोग भी उनके सपोर्ट में, जब हमको मारा वीडियो नहीं कर रहा, लेकिन हम जब ऐसे रोक रहे तब वीडियो कर। अभी पता है हम पापा का बिजनेस जो था ना, वो भी वहाँ पे बंद कर दिया, मैंने घर बंद कर दिया, पुलिस स्टेशन जाने भी नहीं दे रहा हम लोगों को, क्योंकि हम पुलिस स्टेशन जाए ना, और पार्टी के सारे लोग उनके सपोर्ट में है, सारे लोग, कोई भी अच्छे से विचार नहीं करते, ऊपर से हमको गाली दे कि तुम लोगों को मारूंगा फिर से। मेरी बहन को, मेरी मम्मी को रेप करने की कोशिश करा, ठीक है, हम नहीं छुड़ाए क्या भाई, देखो कितना मारा हम लोगों को भाई, ये सब चीज कर रहे हैं भाई। अभी भी पता है कोई रूल ही नहीं है भाई कि लड़कियों को हाथ नहीं देना चाहिए, है ना, वो सब भाई जबरदस्ती उठा के ले जा रहे, तो भाई ये लोग पता है मम्मी। तो एक ही चीज बोलेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा हेल्प करो, शेयर करो, क्या बोलो।